तो गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस वाला वीडियो में बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं बताने वाला हूँ अपने बारे में कि यार हमें यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब के यूट्यूब कौन से सिलसिले से मतलब किस सिलसिले से चालू किया, क्या था ये यूट्यूब चालू करने का मतलब और क्या क्या है मेरे बस बोल के बताने वाला, बाकी करूँगा तो कुछ नहीं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरे फैमिली में कौन है, मेरी मम्मी है, मेरी दो बहनें और मैं हूँ, और बाकी दोस्त तो पता है राजा भी है, रितेश है और बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो गाइस हमारा यूट्यूब चालू करने का मतलब मोटिवेशन क्या था कि यार हम कुछ करें यार, मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते तो यार कुछ करें हम यार, क्योंकि यार दूसरे के लिए काम करके यार बहुत थक गया। अभी मैं काम करता हूँ, मेरी बहन भी काम करती है, मेरी मम्मी भी काम करती है, मेरी दोनों बहन भी काम करती है, और जो मेरे दोस्त है वो लोग भी काम करते, वो भी मिडिल क्लास से। यार हमको कुछ करना है यार गाइस, मतलब कि यार थक गए यार ये मिडिल क्लास लाइफ से। तो मैंने सोचा यार यूट्यूब चालू करूँ, यूट्यूब से कुछ इनकम विकम हो तो बात बने कुछ, लेकिन अभी फिलहाल तो इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो पता है कि अपन माइनस में है, कुछ चल नहीं रहा है, बरोबर व्यू वगैरह भी नहीं जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अपन अपना जो भी है कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर करते रहेंगे। अभी तो यार बारिश का समय है तो वीडियो बनाना भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, कुछ ही नहीं, अगर आप सपोर्ट करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा यार, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये ललित बसेना, ये नाम किसका बहुत सारे लोग को पता है, सब मतलब बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये नाम तो मेरा है नहीं, बहुत सारे लोग को पता है और बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरा नाम है, तो ललित बसेना मेरा नाम नहीं है। तो ललित बसेना यार एक ऐसे इंसान का नाम है यार जो मेरे लाइफ में, जो मेरे सॉरी गाइस माफ़ कर, मैं थोड़ा सा इमोशनल होगा, जो मेरे लाइफ में यार बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब था यार वो, सॉरी गाइस फिर से माफ़ करना यार। तो यार उसकी डेट हो चुकी है यार, मेरा जो दोस्त था जो मेरा भाई से भी बढ़कर था यार, तो उसके नाम पे ये हमने ललित बसेना है उसके नाम पे। तो गाइस उसका भी कहना था कि यार अपन फेमस होना है, अपने को कुछ करना है। तो यार अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, जो एल्बम वीडियो रहता है यार वो उस वीडियो में है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर था, बहुत ही ज़्यादा मतलब यार उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं होता था, दिन कॉल करे चल भाई चाय पीने, कॉल करे तो भाई इधर जाए यार, उसके बिना तो मेरा कुछ नहीं था। तो यार सबसे दिल करीब मेरा वही दोस्त था यार, अभी भी यार जाने का गम इतना है कि क्या ही कर सकते, लेकिन यार भगवान को यार एक दिन तो सबको ही जाना है, माफ़ करना का इमोशनल हो गया। हाँ तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं तो सच बताऊँ तो यार अभी तक मैं बैलेंस नहीं हुआ हूँ यूट्यूब में यार, मुझे क्या कंटेंट बनाना चाहिए क्या कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, तो यार प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दूँ कि कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, आपको कॉमेडी कंटेंट चाहिए कि एडिटिंग कंटेंट चाहिए कि और कोई कंटेंट चाहिए, तो यार ये बता देना। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर देना, तो यार बहुत ही अच्छा लगता है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो कैमरामैन मैं हूँ तो एक्टिंग मैं नहीं करता गाइस, कैमरामैन और एडिटिंग करता हूँ, और जो अभी कैमरामैन जो बेस्ट कैमरामैन बेस्ट एडिटर है और एक्टिंग भी करता है वो, उसका नाम है राजा भैया। तो यार राजा भैया फ़िलहाल तो कैमरा मतलब कैमरा नहीं पकड़ते हैं और सिर्फ वो एक्टिंग करते हैं, एडिटिंग अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बड़े जो एडिटिंग रहते हैं जो हमारे कॉमेडी वीडियो कभी कभी आ जाते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि यार मुझे उतना जमता नहीं है, एकदम एक एक बीट देखना पड़ता है बरोबर, एकदम लाइनअप में मिलाना पड़ता है साउंड वाउंड को, लेकिन राजा भैया के साथ मैं भी रहता हूँ, सॉरी गाइस माफ़ करना, हवा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं आया हूँ ऊपर में, माहौल बहुत बन चुका है बारिश का, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ तो गाइस मैं बता रहा था एडिटिंग का, तो एडिटिंग भी बहुत बेस्ट करते हैं यार, कैमरामैन तो मैं हूँ कैमरामैन, और थोड़ा थोड़ा जो एडिटिंग है नॉर्मल ब्लॉग एडिटिंग या और कुछ एडिटिंग नॉर्मल मैं कर लेता हूँ, जो बड़े बड़े एडिटिंग या कॉमेडी एडिटिंग या और कुछ एडिटिंग रहता है या एल्बम एडिटिंग रहता है तो वो राजा भैया करते हैं। तो ये हो गया पहला, और मेरा एक और दोस्त है रितेश सिर्फ एक्टिंग करता है, तो थोड़ा बहुत क्या उसको एक्टिंग नहीं आता है, मतलब एकदम हाई लेवल की एक्टिंग नहीं कर पाता, लेकिन जो भी है वो कर सकता है। तो ये था कुछ, और गाइज अगर आपको और कुछ वीडियोस वगैरह चाहिए एडिटिंग के थ्रू पे तो मैं ला दूंगा, बस आप मुझे आज सिर्फ सब्सक्राइब कर दो तो यार कर देना। और गाइज कैसे नहीं कि यार अभी अपना ज़िंदगी एकदम डाउन चल रहा है, अपन दूसरे के लिए काम करते हैं, जैसा कि पता है मैं काम पे जाता हूँ, राजा भैया भी काम पे जाते थे, यार हम कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले चल रहा है कि हम कंटिन्यू वीडियो बहुत सारे लोग बोलते भाई आप कंटिन्यू डालो यार, कंटिन्यू हम नहीं डाल पाते हैं, क्यों नहीं डाल पाते हैं, उसका रीज़न है कि हम काम पे जाते हैं यार, हफ्ते के 7 दिन हम सॉरी माफ़ करना हफ्ते के 6 दिन हम काम पे जाते हैं और बाकी के दिन
एक दिन बचता है, बाकी के दिन कहाँ बोल रहा हूँ, एक दिन बचता है, एक दिन में यार हम कितना ही वीडियो ला लेंगे यार, कुछ नहीं, हफ्ते के दो वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन यार नहीं, मुझे हफ्ते के दो वीडियो नहीं डालना, हफ्ते के साथ ही वीडियो डालना है ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन यार मैं नहीं डाल पाता हूँ यार, क्योंकि काम पे हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, आज भी आज तो सोमवार है, ये वाला वीडियो शायद आपको कल या परसों, मतलब सोमवार मंगलवार या बुधवार को देखने मिल जाएगा, लेकिन यार अभी अगर आज मैं ये वाला वीडियो नहीं बना पाता, अगर आज वाला वीडियो नहीं बनाता तो मैं काम पर होता यार, तो मैंने सोचा यार मेरे पास कुछ कंटेंट डालने के लिए नहीं है यार, तो आप ही लोगों के लिए मैं सोच रहा कि कुछ बता दूँ और एक छुट्टी मार लूँ, तो यार काम की एक छुट्टी मारा तो आज की तो मेरी रोजी नहीं बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यार। तो यही था मिडिल क्लास, और गाइस सबसे पहली बात यार, अगर आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो करो यार, ये मिडिल क्लास लाइफ सबसे ठगी लाइफ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों की गालियाँ सुनेंगे यार, ये नहीं मांगता यार, खुद करो, खुद के दम पे करो कुछ, तो बात बने यार आगे की, बाकी अपन नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या बता रहा हूँ मैं, ये मेरा एक दोस्त आपको बताया मैंने, ललित यार, वो चाहता था कि अपन आगे बढ़े, और मैं यार आपको बता रहा हूँ कैसे, अगर वो अभी रहता ना, अभी तो है मेरे दिल के पास, लेकिन वो अगर मेरे साथ रहता ना, तो मैं गारंटेड लिख के दे रहा कि आज मैं यहाँ नहीं, आज मैं यहाँ होता। तो एक इंसान मतलब यार अपनी ज़िंदगी के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन अगर चला जाता है ना, तो यार उसका दुख इतना होता है कि अगर आप में से किसी का चला होगा तो आपको पता होगा कि यार मैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेरे दिल के करीब था कि क्या ही बताऊँ। कोई बात नहीं यार, तो अभी चलते हैं यार, मेरी मम्मी क्या काम करती है, तो यार मेरी मम्मी दूसरे के घर पर जाती है तो बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, यार बहुत दुख होता है अंदर से कि यार नहीं यार कुछ करना है यार, मम्मी को ये सब फील्ड से निकालना है। दीदी भी जाती है जॉब करती है, वो दूसरी दीदी जाती है वो भी जॉब करती है, यार दूसरे का कितना झेलेंगे यार हम, लेकिन नहीं, इसलिए मैं सोचा YouTube चैनल बनाऊँ, YouTube चैनल फिर ललित और मैं बैठे राजा भी बैठे सोचे यार कि हाँ कुछ बनाना है हमें, तो यार बस आज उसी के ऊपर टॉपिक था कि कैसा क्या हमने स्टार्ट किए, तो यार स्टार्ट हम शायद दो साल मतलब डेढ़ दो साल हो रहे हैं हमने स्टार्ट किए हुए वाला चैनल, यार हमें बहुत बहुत लोग का सपोर्ट भी मिला था, बहुत लोग हमसे मतलब बोल रहे थे भाई आप वीडियो कैसा शूट करते हो, क्या करते हो यार, बहुत अच्छा लगता था हमें, कोई बोलता था रुका रुका के वो लोग बोल रहे थे, लेकिन यार फिर ऐसा समय आया कि सब चीज़ डाउन होने लगा, हमारे व्यू भी डाउन होने लगे, सब चीज़ डाउन होने लगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, डाउन हुए, सब्सक्राइब घटे, बहुत सारे लोग ने अनसब्सक्राइब करे क्योंकि भाई उनको कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो जायज़ सी बातें कर तो अनसब्सक्राइब करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, बस आप ही के लिए यार, ये जो हम कर रहे हो आप ही के लिए कर रहे हैं और साथ में हमारे लिए भी कर रहे हैं, और आपको हम सिर्फ कंटेंट ला के देंगे, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट भी मांगती है, अच्छे अच्छे सब चीज़ भी मांगती है, लेकिन यार वो हमें भी पता है, लेकिन यार अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ आपको ताबड़तोड़ कंटेंट ला के दूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन यार समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा सा रुका हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द आने वाला है। तो देन गाइस अब आपको बताता हूँ राजा भैया क्या करते हैं, राजा भैया भी यार काम पर जाते हैं, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं राजा भैया भी, ठीक है गाइस, राजा भैया भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यार, वो भी काम पे जाते हैं, उनके वो रायपुर के आगे एक गाँव है, तो वहाँ से इधर आए हुए हैं अपने मौसा के घर रहने के लिए, तो गाइस मौसा के घर पे रहते हैं, वो भी काम पे जाते हैं, वो भी यार वो भी थक चुके हैं लाइफ से कि यार अपन कुछ करे, आगे बढ़े, मिडिल क्लास फैमिली से कुछ बढ़े, यार क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है यार, बस उसी में थक चुके, कभी कभी यार लगता है कि ये कहाँ फंस गए हम, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे यार, बस यही था कुछ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आपको ऐसे ही यूनिक कंटेंट और ऐसे ही एकदम तगड़े तगड़े कंटेंट मैं लाते रहूँगा यार, बस आप सपोर्ट दिखाते रहो, तो भाई अभी वीडियो तो मैं समाप्त नहीं कर रहा, बस आपको बोल रहा हूँ। और गाइस एक है मेरा दोस्त रितेश, तो गाइस रितेश भी मिडिल क्लास, वो भी काम पे जाता है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जैसा मैं हूँ वैसा उसकी मम्मी भी दूसरे के घर पे आती है, बर्तन मांजती है यार, दूसरे के घर पे मतलब रोटी बनाती, खाना बनाती, तो यार ऐसा नहीं मांगते यार पब्लिक, यार अपनी मम्मी अगर दूसरे घर में काम करते हुए देखते ना यार, दिल से दुख होता है, लेकिन यार अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, और गाइस मेरे पप्पा तो है नहीं, उनकी भी डेथ हो चुकी है यार, वो भी मेरे को छोड़कर चले गए आधे अधूरे, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये आधा अधूरा पूरा होगा, बहुत जल्द होगा, बस यही कुछ बताना था आपको, थोड़ा सा इमोशनल हुआ गाइस बीच में, लेकिन मुझे माफ़ करना यार, ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना यार, ऐसे ही यूनिक कंटेंट और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट यार मैं लाते रहूँगा, तो बस यही था मेरा कुछ सब चीज़, तो यार होप योर गाइस, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही ज़्यादा
दिल से यार कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। अगर आपके घर पे किसी और का फोन होगा तो उससे भी कर देना यार भाई, प्लीज कर देना। तो यार फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी चलते हैं, ये वाले वीडियो को अभी एडिट भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चलते हैं आगे।